हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज हमारा टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर के, जैसे कि बुक हमारी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो टॉपिक है, कोठारी कमीशन। लगभग ये आधी बुक आज फिनिश हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। पिछली सारे आधे वीडियोज आपको मिल जाएंगी, इसके पहले 6 वीडियोज हैं। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो कोठारी कमीशन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, जिसमें हमने इस जो मशीनरी थी यानी 1600 ईस्वी में कैसे कैसे शुरुआत हुई थी शिक्षा की, वो भी हमने पढ़ा था। 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ा था, 1833 का आज्ञा पत्र ऑकलैंड जिसने प्राच्य और पाश्चात्यवाद की शिक्षा का अंत कराया था, वुड का घोषणा पत्र, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो लोग बच्चे नहीं पढ़े हैं, आज भी मैं इन सारी चीज़ों को अभी डिटेल में बता देता हूं। उसके बाद हमने हंटर कमीशन पढ़ा था, एंड आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है वो हंटर कमीशन के बाद आता है, और वो टॉपिक है हमारा टॉपिक, जैसा कि आप लोग शुरू शुरू में देखे हो, कोठारी आयोग, जो कि 1964 से लेके 66 तक का था। ठीक है, तो हम इसके बाद वो स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के पश्चात वो पहला आयोग था शिक्षा का जो गठित किया गया था, जिसने कई सारे चीज़ों को अपला के सामने रखा था देश के। अब ये सब चीज़ों में हमने ये भी पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद लक्ष्य क्या थे देश के, फिर वो आयोग कैसे गठित हुआ, क्या हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हुए यानी अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी शिक्षा कैसे विस्तृत हुई, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर विद्यालय शिक्षा का विस्तार किस तरह से होना चाहिए था, क्या क्या पाठ्यक्रम में सुधार हुआ, क्या शिक्षण विधियाँ अपनाई गई, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे निष्कर्ष जो आयोग ने निकाल के हमें दिया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं एकदम शुरू से बताता हूँ आपको, अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आप सिर्फ चुपचाप सुनिएगा। तो शुरू की इसकी शुरुआत होती है सन 1781 में, जब कलकत्ता का मदरसा खोला जाता है दोस्तों, वहाँ से शुरुआत होती है। हमारे देश की शिक्षा में पहली बार इंटरफियर अंग्रेजों ने किया था 1781 में कलकत्ता मदरसा खोल के। क्यों खोला गया था स्पेशली कलकत्ता मदरसा? बिकॉज ऑफ दैट कि जो अंग्रेज हुआ करते थे, जब यहाँ पे शासन करते थे तो उनके जो जज हुआ करते थे, ठीक है, उनके जो जज हुआ करते थे वो होते थे अंग्रेज, तो उनको फैसला सुनाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती थी हमारे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता की। तो उन्होंने एक आइडिया अपनाया कि हम क्यों ना एक हिंदुओं का स्कूल और एक मुस्लिमों का स्कूल खोल दें। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा का उन्होंने खोला था। उस समय जो लॉर्ड गवर्नर थे वो थे हमारे यहाँ वारेन हेस्टिंग्स, जिनकी जो थे वहाँ पे। फिर 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया, याद रखना 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया, जब और उसमें हिंदुओं की शिक्षा दी जाती थी। फिर 1800 में क्या हुआ कि एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया जिसमें अंग्रेज पढ़ते थे। देखो सारी कहानी यहीं से जुड़ी है, न्याय करने के लिए ही ये सारे स्कूल खोले गए थे। अब इसमें अंग्रेज पढ़ते थे, इसमें हिंदुओं की भी शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिमों को भी शिक्षा दी जाती। ये कॉलेज 1802 में जाके बंद हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे जो पढ़ाने जाते थे टीचर्स, अब अगर हिंदू की संस्कृति कोई पढ़ाने जाएगा तो हिंदू ही टीचर होगा, तो उनको पसंद नहीं आता था कि कोई हमसे बड़ा पोस्ट पे रहे और हमें पढ़ाए, इसलिए ये कॉलेज बाद में उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इन्हीं लोगों की मदद से न्याय करना शुरू किए। जब ये कहानी फिर आगे बढ़ती गई तो सन 1813 का आज्ञा पत्र जब आया दोस्तों, तो ये आज्ञा पत्र हर 20 साल के बाद ब्रिटेन की संसद में पारित होता था, और इसमें ये लिखा गया था कि 1,00,000 रुपए ये लोग भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे। और वो 1,00,000 रुपए ये नहीं कंफर्म किया गया था कि ये किस तरह की शिक्षा पर खर्च करेंगे, यानी सांस्कृतिक शिक्षा पर खर्च करेंगे या आधुनिक, जैसा कि लिखा गया है आधुनिक शिक्षा पर खर्च करेंगे। अब देखो समझो, सांस्कृतिक और आधुनिक शिक्षा में फर्क क्या था। सांस्कृतिक शिक्षा में फर्क और आधुनिक शिक्षा में फर्क ये था कि जो अब दो शब्द वहीं से निकल के आता है, एक होता है प्राच्यवाद और दूसरा होता है पाश्चात्यवाद, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। पाश्चात्य मतलब आप शब्द समझ रहे हो कि पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्टर्न, जैसा वेस्टर्न कल्चर आप सुनते हो, मतलब वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी पर फोकस जो लोग करते थे उन्हें पाश्चात्यवादी कहा जाता था, और जो लोग प्राचीन यानी सांस्कृतिक शिक्षाओं में जिसमें ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी, वेदों की, पुराणों की, इन तरह की शिक्षाओं, कुरान की शिक्षा दी जाती थी, तो ऐसे लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें कहा गया कि 1,00,000 रुपए यानी अंग्रेजों ने कहा हम 1,00,000 रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ये कन्फर्म नहीं किया था कि वो किस तरह की शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ये विवाद वहीं से
उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्राच्यवादी कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हमारे ग्रंथों और पुराणों की ही शिक्षा दी जाए, और कुछ लोग भारतीय ये भी मानते थे कि नहीं, हमें विज्ञान और अंग्रेजी सीखना होता था। अच्छा, अंग्रेज पाश्चात्यवाद पर क्यों फोकस करते थे? बिकॉज ऑफ दैट कि वो बिजनेस करने आए थे, उनके पास बहुत सारी मशीनें हुआ करती थी, वो मशीनों को चलाने के लिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी था। तो अंग्रेजी जानने के लिए ये लोग पाश्चात्यवाद पर फोकस करते थे, कि बल्कि जो वुड साहब थे, जो वुड मैकाले जो थे, उन्होंने साफ साफ 1835 में ये भी कह दिया कि मुझे ऐसे भारतीयों की ज़रूरत है जो रंग और रूप से भारतीय हों, लेकिन उनकी सोच, चिंतन, मनन और रहन सहन, बैठने, खाने पीने, बोलने, बात करने में वो पूरे के पूरे अंग्रेज हों, उन्हें मुझे ऐसे भारतीयों की ज़रूरत है। आजकल आप देखे होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ पर ये कल्चर अपनाया गया, ठीक है। तो मैकाले बहुत दूरदर्शी था, आज देखो उसी की शिक्षा को हम लोग अपना के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 1813 की वजह से एक प्राच्यवाद और एक पाश्चात्यवाद का उदय हुआ। फाइनली मैं बता रहा हूँ, देखो 1813 की वजह से किसका किसका उदय हो गया? प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का उदय हो गया। अब इसका 1833 में एक और घोषणा पत्र आया, फिर 20 साल के बाद पारित हुआ ये घोषणा पत्र। जब ये घोषणा पत्र आया तो उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि 10 लाख रुपया आप लिए ये लोग खर्च करेंगे। लेकिन ये जो विवाद था वो और ज़्यादा उग्र हो गया, क्योंकि 1835 में जो मैकाले ने विवरण दिया, इन्होंने कहा कि उस समय जो एक लॉर्ड गवर्नर थे, उन्होंने सीधे सीधे लॉर्ड बेंटिंक ने कहा कि हम अधिकतम पैसा अपनी पाश्चात्यवादी शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ये विवाद जो था वो और ज़्यादा उग्र हो गया। तो इसको अंत करने के लिए ऑकलैंड ने 1839 में, याद रखना ये डेट पूछी जाती है कब इस विवाद का अंत हुआ, तो 1839 में ऑकलैंड ने इस विवाद का अंत किया। इन्होंने लिखते हुए कहा कि जिस तरह से प्राच्य स्कूल चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे, उनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हम पाश्चात्यवाद की शिक्षा डालेंगे, उसमें जिसका मन करेगा वो आके पढ़ सकता है। तब जाके पाश्चात्यवाद का, प्राच्य और पाश्चात्यवाद क्या हुआ? अंत हुआ। फिर वुड का घोषणा पत्र आया, जिसमें इन्होंने छननीकरण का सिद्धांत, यानी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इन्होंने कहा कि ऊपर वाले वर्ग को शिक्षा दो, नीचे वाले अपने आप शिक्षित होते जाएंगे। तो वुड के घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हंटर कमीशन आया, जो 1882 में आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की शिक्षा व्यवस्था, जैसे मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के लिए, विकास की सहायता के लिए उसको अपनाया गया। तो आज का हमारा टॉपिक इस हंटर कमीशन के बाद की शिक्षा का है दोस्तों। और 1882 के बाद 1947 में हम जाके आज़ाद हुए थे। बिकॉज ऑफ दैट बीच में दो विश्व युद्ध आपके पड़ता है, तो इसलिए उन बीच में कोई शिक्षा पर रुझान नहीं था। अंग्रेज यानी ब्रिटेन के लोग पहला भी विश्व युद्ध लड़े थे, दूसरा भी लड़ रहे थे, तो इसलिए ये लोग वहाँ पे फंस गए थे, तो कोई यहाँ पे शिक्षा पर रुझान नहीं रखा। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसी के पहले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। उस संविधान में ही शिक्षा का उद्देश्य रखा गया था कि प्राथमिक शिक्षा, यानी जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों को, उसको अनिवार्य रूप से रखा गया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हम इसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये जो कमीशन बना, ये बना 1964 में। ये कमीशन कब बना? 1964 में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं थी। 1947 के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसा कि निर्धनता, कृषि का आधुनिकीकरण करना था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, और यहाँ पे आधुनिकीकरण मतलब नहरें बनवाना, अच्छे से सिंचाई करवाना। जब इरिगेशन टॉप पे जाएगा दोस्तों, तभी रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमारा एक कह सकते हो साम्राज्य बनता है। तो रेवेन्यू के लिए हमें आधुनिकीकरण जरूरत थी, उद्योगों का विकास करवाना था, धन का समान वितरण होना चाहिए था, मतलब गरीब ना कोई रहे, ना कोई ज़्यादा अमीर हो जाए। फिर जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम आवर टॉपिक, बिकॉज ऑफ दैट कि हम शिक्षा से संबंध रखते हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उस स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो लक्ष्य था, 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना।
अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात, देखो मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जो समिति गठित हुई थी या कह सकते हो आयोग गठित हुआ गठन हुआ था उसका नाम क्या था, तो कोठारी आयोग उसका नाम था। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर डीएस कोठारी, इनका भी नाम पूछा जाता है दोस्तों। शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, 6 अन्य देश के शिक्षा विशेषज्ञ भी आए थे। अब इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य था हमारा इस आयोग के अनुसार वो क्या था, तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि। अब जितने भी लक्ष्य आप ऊपर देख रहे हो जो हमारे स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद था, ये सब कब खत्म होगा, निर्धनता कब खत्म होगी अगर हमारी शिक्षा अच्छी हो जाए। कृषि का आधुनिकीकरण अगर करना है तो भैया कृषि से संबंधित हमें शिक्षा को ग्रहण करना होगा, तभी उसका आधुनिकीकरण कर सकते हैं, नहीं तो कब तक हम विदेशों के लोगों को उनके अकॉर्डिंग पैसा देते रहेंगे और उनसे हम चीज़ों को लेते रहेंगे। तो आधुनिकीकरण करने में भी शिक्षा की ज़रूरत थी, उद्योगों का विकास करने में भी हमें शिक्षा की ज़रूरत थी, बहुत सारे शिक्षित लोग चाहिए किसी उद्योग को विकास करने में। धन का समान वितरण पढ़े लिखे लोग ही कर पाते थे, तो इसका मतलब पूरा टारगेट कहाँ पर आ रहा था, शिक्षा पर आ रहा था। तो उस शिक्षा को बढ़ाने के दोस्तों, शिक्षा का जो राष्ट्रीय उद्देश्य, देखो यहां पे लिखा गया शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, तो ये जो शब्द है ये उन सारे लक्ष्यों को समेट लेता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है समेट लेता है, फिर आगे दिया गया शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, तो ये बहुत जरूरी था कि किसी शिक्षा जब हमारे पास होगी तभी हम अपने समाज में और अपने राष्ट्र में एकता बनाए रख सकते हैं। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, जब हमारा शिक्षित समाज होगा तो हमारा प्रजातंत्र क्या होगा, सुदृढ़ होगा। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र निर्माण करना, जो कि बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। अब जो संरचना, देखो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संरचना किस तरह से कोठारी कमीशन में दी गई, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोठारी कमीशन में 1 से लेकर 3 साल की पूर्व विद्यालयी शिक्षा, जिसे जैसा कि आप लोग आज देखते होंगे कि जो बच्चे आंगनवाड़ी या अन्य जगहों पर पढ़ते हैं वो पूर्व विद्यालय शिक्षा, मतलब कक्षा 1 में एडमिशन लेने के पहले, जैसा कि नर्सरी, LKG, UKG 3 साल तक, ठीक है, उसी समय इसको बना दिया गया था। एक सामान्य शब्द में लिखा गया था कि 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा अनिवार्य है, बाकी उसके पहले अगर ये पॉसिबल हो सके तो आप दो, यानी कि कमीशन ने ये कहा। कमीशन का मतलब क्या होता है समझो, एक समिति गठित की जाती है, सरकार को वो रिपोर्ट देती है कि आप शिक्षा व्यवस्था को कैसे चला सकते हो, तो ये लोग शिक्षा व्यवस्था चलाने का बस ये फंडा दिए थे सरकार को। फंडे में क्या था, नंबर 1 पे था कि मैंडेटरी नहीं था, मतलब कंपलसरी नहीं था, लेकिन इन्होंने रखा था कि 1 से 3 वर्ष तक कम से कम पूर्व विद्यालय शिक्षा दी जाए, उसके बाद 10 साल तक अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अनिवार्य शिक्षा मतलब जैसे कि 1 से 5 तक, फिर उसके बाद देखो 1 से 5 तक, यानी कक्षा 10 तक की अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जैसे देखो 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 से 5 तक की, ठीक है, फिर उसके बाद 3 वर्ष की यानी 8 तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा, फिर उसके बाद दिया गया था 2 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा। अब ये 3 या 2 का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग कह रहे थे कि या तो 9-10 को 3 साल तक करवा लो या तो 2 साल तक करवा लो, तो फाइनली हो गया 2 साल तक, या तो 1 से 4 तक पढ़ा लो या तो 5 तक पढ़ा लो, तो हो गया था 5 साल तक, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 1 से 5 तक यहाँ, फिर 8 तक यहाँ, फिर 10 तक यहाँ, तो यही 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा जो इनका मुख्य उद्देश्य था या इनके शिक्षा का संरचना का स्तर था, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा यानी कक्षा 10 तक की पढ़ाई को अनिवार्य रूप से बताओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी जो 12 की चीज़ों को हम पढ़ते हैं, और इन्होंने कहा कि अगर प्रथम उपाधि लेनी है, जैसा कि ग्रेजुएशन एक उपाधि होती, डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो उपाधि लेनी है तो उसमें 2 या 3 साल का प्रावधान, मतलब वो शिक्षा आप चाहो तो 2 साल बना सकते हो या तो 3 साल बना सकते हो, सरकार के ऊपर इन्होंने डिपेंड करा, ठीक है।
अब हुआ क्या, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इन्होंने कहा कि विद्यालय संकुलों का एक यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। देखो संकुल क्या होते हैं, संकुल एक ऐसा जोन होता है जहां से चारों तरफ के चीजों को जैसे मैनेज किया जाता है, यानी उसके अंदर जितने प्राइमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल इस तरह की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर लिखा गया एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और समीप के सभी प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल में के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो ये था शिक्षा का स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से पूछा जाता है। फिर विद्यालयी शिक्षा का विस्तार, इन्होंने सरकार को क्या प्रस्ताव रखा कि क्या क्या हो जाना चाहिए। तो इन्होंने लिखा कि 1975 से लेकर 76 तक, देखो ये बना कब था, 64 में, तो 1975 से लेकर 76 तक मतलब 10 से 12 साल के अंदर 5 वर्ष तक की उच्चतम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद दिया गया है 85 से लेकर 86 तक के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उच्चतम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में लक्ष्य बताया है कि हमारे भारतीय संविधान में शुरू में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो लक्ष्य थे वो मैंने 5 लक्ष्य आपको दिखाया, और भी थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको दिखाया। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से, लोअर प्राइमरी स्कूल यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि वो एक से कह सकते हो 3 तक हो, या प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल यानी 8 तक, मतलब सिंपल सी भाषा में 1 से 8 तक के जो स्कूल हो वो 1 और 3 मील से अधिक दूर ना हो। जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्ययन नहीं करना चाहता हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि स्किल प्राइम मिनिस्टर स्किल योजना जो चलती है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब चीज़ें क्यों चलती हैं, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे के एजुकेशन को नहीं ले सकते हैं। अगर वो प्राइमरी एजुकेशन ले चुके हैं या 10 तक की सामान्य वर्षों की शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं तो उनको वो स्किल सिखाई जाती है, वो व्यवसायीकरण की शिक्षा दी जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस तरह की शिक्षा का भी उसी समय, सोचो 1964 में ही इसका भी प्रस्ताव रख दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए आयोग ने क्या क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में हमें शिक्षा देनी है, 5 से 7 तक 2 भाषा, यानी अगर हिंदी हमारी प्रादेशिक भाषा है तो हम 2 भाषा यानी अंग्रेजी सम्मिलित करेंगे, कब, कक्षा 5 से, उस समय के अकॉर्डिंग था। कक्षा 8 से 10 तक की 3 भाषा, मतलब आप संस्कृत भी आप पढ़ा सकते हो कक्षा 8 से, ये इन्होंने कहा था। ये इनके पाठ्यक्रम में थोड़ा सुधार की चीज़ें थी। फिर इन्होंने शिक्षण विधियां और निर्देशन या मूल्यांकन में क्या चीज़ें दी गई, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ, बाकी आप नोट करोगे तो अपने आप समझ में आएगा ये चीज़ें। तो जैसे शिक्षण विधियों में इन्होंने कहा था लचीलापन होना चाहिए, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयास का प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों, अभिनव पाठ्यक्रमों के कार्यक्रमों का आरंभ किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कही कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। किसको, पुस्तकों को, जो पुस्तक आपको पढ़नी है वो एनसीईआरटी द्वारा, इसीलिए जितने भी क्वेश्चन आप देखते हो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के तो वो कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, सो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू यू ऑल टू रीड एनसीईआरटी, ओके। उसके बाद दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आप जब एनसीईआरटी खोलते होगे तो उसके फर्स्ट पेज पे ही जितने लोगों ने उसको लिखने में यानी उस पुस्तक को बनाने में हेल्प की है उनका आभार व्यक्त किया गया होता है उस पुस्तक में। तो आप देखोगे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ पर बैठते हैं और उन चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आयोग ने कुछ निष्कर्ष निकाला था, तो वो निष्कर्ष क्या था, देखो ये ऊपर का आप पढ़ लेना फिर नीचे का मैं बता रहा हूँ फटाफट। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला था कि कृषि विकास हेतु कृषि विद्यालय कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने,
तकनीक पाठ्यक्रमों में सुधार करने, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व का सुझाव दिया। तो इतनी सारी चीज़ें, बिकॉज अगर हमारा खेती सही हो जाता, चूँकि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से खेती होती थी, पहले तो हमें लेना पड़ता था बाहर से, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सुधार करके हमने अपने इस चीज़ को बढ़ा लिया, इंक्रीज करा। तो जब हमने इंक्रीज करा तो हमारे कई सारे लक्ष्य जो हैं वो पूर्ति होने लगे। जैसा कि आप लोग ऊपर में ही पढ़े थे कि ये जो लक्ष्य है, ये अगर निर्धनता कब दूर होगी, अगर हमारी खेती अच्छी हो जाए, उद्योग कब बढ़ जाएंगे अगर खेती अच्छी हो जाए, धन कब बढ़ जाएंगे अगर खेती अच्छी हो जाए, तो सब कुछ मिला जुला के वो डिपेंड हो गया था खेती पे। मतलब हमारे शिक्षा का आधार जो बन गया था वो कृषि। इसलिए कृषि को आप देखे होगे नीचे, अगर आप देखो तो नीचे कृषि को किस भाषा में कहाँ पे रखने के लिए कहा गया है, तो इससे कहा गया सामान्य शिक्षा का अंग बनाने के लिए। मतलब 1 से 8 तक की शिक्षा, यानी 1 से 10 तक की जो शिक्षा होगी उसमें कृषि शिक्षा भी दी जाए। आप लोग पढ़ रहे होगे उस समय कक्षा 6, 7, 8 में कृषि शिक्षा अनिवार्य बना दी गई थी। तो ये था दोस्तों जो कंक्लूजन था हमारे कोठारी आयोग का, वो था आपके सामने जो हमने आपको डिटेल में बताया। और जो लोग आप पहली बार जुड़े हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें और जाके पिछले वीडियोज को देखो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।